शहनाज गिल के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, फिर कह रहे जी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर कहा जाए कि शहनाज गिल एक बार फिर दिल लगाए बैठी है तो क्या यकीन कर पाएंगे? जी हाँ, हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। बात कर रहे हैं हम शहनाज गिल की लाइफ के बारे में कि अब कौन आया है इनकी ज़िंदगी में, आखिर कौन है वो मिस्ट्री मैन जिसने शायद सिद्धार्थ शुक्ला की जगह ले ली। तो बता दें कि सुनने में आया है कि शहनाज गिल की ज़िंदगी में किसी खास शख्स ने एंट्री ले ली है। कभी शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के प्यार में थी, सिद्धार्थ के निधन के बाद वह टूट गई थी। अब शहनाज ने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, उनकी ज़िंदगी में प्यार लौट आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो मिस्ट्री मैन है कौन। पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल फैंस की चहेती है। शहनाज के लव लाइफ को लेकर गुड न्यूज सामने आई, इसे सुनकर यकीनन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सुनने में आया है कि शहनाज गिल को फिर से प्यार हो गया, वे लकी शख्स कौन है? तो टीवी के पॉपुलर होस्ट और डांसर राघव जुयाल, जी हाँ, स्लो मोशन की शहनशाह के साथ शहनाज गिल की कुछ तो खिचड़ी पक रही है। राघव और शहनाज गिल फिल्म भाईजान का हिस्सा है, दोनों सलमान खान की फिल्म में काम कर रहे हैं। सेट पर दोनों के बीच काफ़ी अच्छी पट रही है और रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज और राघव के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा बढ़कर दिख रहा है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और राघव और शहनाज अक्सर साथ में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बताया राघव और शहनाज ऋषिकेश ट्रिप पर भी गए थे, दोनों को साथ में एयरपोर्ट पर देखा गया था। अब कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं फैलता, तो शहनाज और राघव के नज़दीक है शोबिज इंडस्ट्री में गॉसिप का टॉपिक बनी हुई है। अफेयर की इन खबरों पर अभी तक ना ही शहनाज का कोई रिएक्शन आया है ना ही राघव का। दोनों के अफेयर की खबरें कितनी सही और कितनी झूठ, इसका भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन राघव और शहनाज दोनों ही फनी और एंटरटेनिंग है, ऐसे में उनका एक दूसरे की कंपनी को पसंद करना लाजमी है। शहनाज संग अफेयर की खबरों पर राघव ने बताया कि इन बातों पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसी बातें उनके लिए मैटर नहीं करती, जल्द उनके कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तब वे बात करेंगे। राघव ने अपने अंदाज में कहा, चिंता की बात नहीं, ये धूल है, जल्द बैठ जाएगी, ऐसी अटकलों को इग्नोर करें। शहनाज गिल को बिग बॉस 13 से फेम मिला था। शो में शहनाज के दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला संग दोस्ती को काफ़ी पसंद किया गया। शहनाज और सिद्धार्थ शो खत्म होने के बाद भी दोस्त रहे थे, दोनों की दोस्ती के बीच उनके अफेयर के किस्से भी सुनने को मिलते थे। शहनाज ने खुलेआम सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया था। वह सिद्धार्थ ने शहनाज को अपने अच्छे दोस्त ही बताया था। दोनों ने साथ में म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया, स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री डिमांड में रहती थी। फिर एक बुरा दिन आया जब सिद्धार्थ हमेशा के लिए अपनी खास दोस्त शहनाज को अलविदा कह चले थे। अपने सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ को खोने का गम शहनाज के लिए काफ़ी बड़ा था। सिद्धार्थ के निधन ने शहनाज को बुरी तरह तोड़ दिया था। फिर वक्त बीता और शहनाज ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया। शहनाज ने अध्यात्म का रास्ता चुना, मैं सिद्धार्थ की तरह ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ी और उनके आइडियोलॉजी को फॉलो किया। सिद्धार्थ के निधन के गम से उभरने में से शहनाज को काफ़ी मदद मिली। अब शहनाज के गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो काफ़ी फोकस कर रही है, वह पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है। फिल्म भाईजान से शहनाज गिल डेब्यू कर रही है। सलमान खान की वजह से शहनाज को ये मौका मिला, फैंस उस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। अब आप कितने एक्साइटेड हैं शहनाज गिल के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।